हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कैसे बनी रेखा रोहित की मां? क्रिश फोर की बड़ी स्टार कास्ट का क्या है राज? क्यों जिले हुई क्रिश फोर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या क्रिश फोर में होगी कोई विमेन सुपर हीरो? सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइंस में से एक है रेखा, और उनको माँ का रोल करने के लिए मनाना कोई टेढ़ी खी ही रही होगी, ये ख्याल दिमाग में आना लाजमी है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ राकेश रोशन ने मिन्नतों का नहीं बल्कि अच्छे प्लान का यूज किया था। रेखा और राकेश अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए राकेश ने रेखा को कोई मिल गया का रिव्यू लेने के बहाने बुलाया। जब रेखा ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो खुश हो गई, क्योंकि कोई मिल गया उस जमाने में एक बिल्कुल नए कंसेप्ट वाली स्टोरी थी। तभी राकेश ने अपना दांव चला और बोले कि उन्हें रोहित की माँ के रोल के लिए एक अच्छी सी हीरोइन चाहिए। इस पर रेखा ने राकेश से कह दिया कि वो इस रोल के लिए तैयार है, और इस तरह राकेश का प्लान फुल प्रूफ मतलब सक्सेसफुल हो गया। अब क्रिश के इस नए पार्ट में डायरेक्टर राकेश रोशन एक नई स्टार कास्ट की तलाश में है। ये मूवी से एक्शन से भरपूर होने वाली है, और ऐसे में कुछ ऐसे एक्टर्स का होना जरूरी है जो इन रोल्स के साथ पूरी तरह से इंसाफ कर सके। इसीलिए सुनने में आ रहा है कि राकेश ने विलन के रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात की है। वहीं दूसरी तरफ अफवाह ये भी है कि हमें क्रिश 4 में हीरो और विलन दोनों के ही किरदार में ऋतिक दिखने को मिलेंगे, जो कि शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ऋतिक इस मूवी में पहले से ही 3 रोल्स कर रहे हैं, और ऐसे में विलन भी वही बनेंगे तो मूवी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी। अब फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश भी जोरों पर है, क्योंकि राकेश रोशन क्रिश के इस पार्ट में एक फीमेल सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वो ऐसी हीरोइन ढूंढ रहे हैं जिस पे सुपर हीरो का रोल फिट बैठे। वैसे कियारा आडवाणी, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी का नाम सामने आया है। पिछले 9 साल से इंडियन फैंस अपनी फेवरेट सुपर हीरो मूवी क्रिश के अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं है। आपको बता दें कि ये इंतजार 2020 में ही खत्म हो जाता, लेकिन पैंडमिक के चलते रोशन इस मूवी को शूट नहीं कर पाए और ना ही रिलीज। ये फिल्म रेडी है ये तो पक्का है, क्योंकि हाल ही में एक दिन लाइव करने के दौरान ऋतिक ने अपने फैन पद्मिनी को बोला कि वो क्रिश 4 के लिए और वेट नहीं करेंगे, और जल्द से जल्द सभी दर्शकों को ये मूवी का लुत्फ उठाने का मौका मिलने वाला है। अब आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सी हीरोइन हमें क्रिश 4 में एज अ फीमेल लीड में दिखने वाली है। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सेफ रहें। लेकिन हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।